ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह दोपहर का। माशाल्लाह मौसम बहुत खूबसूरत है। ये देखिए माशाल्लाह आसमान कितना खूबसूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुंजी थी वो हमने उधर लगा दी है और अब इस खेत में लगने वाली है इंशाल्लाहुल्अज़ीम। ये जो है ना इसमें चूँकि लाभ भी जीवी थी पनीरी, और उसके फ़ौरन बाद जो है ना अभी इंशाल्लाह ताला इसमें भी लगाएंगे। फिर ये चारा काटेंगे, चारा काटने के बाद फिर इंशाल्लाह ताला उसमें भी लगाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत, और ये देखिए आसमान पे सूरज चमक रहा है अभी। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत नज़ारा है दोपहर का जी। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लग चुकी है पनीरी और उससे आगे वाला खेत भी मुकम्मल हो चुका है माशाल्लाह। और इसमें चूँकि पनीर बीजी हुई थी तो सुबह इंशाल्लाह ताला इसमें भी क्लियर हो जाना है। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सूरज तुलू हो चुका है, सुबह सुबह का टाइम है। और माशाल्लाह ये देखिए खेत जो है दूसरा ही बन चुका है तकरीबन। अब इसमें हल चलेगा और इसमें पानी लगाएंगे अभी दोबारा, चूँकि इसके अंदर पनीरी भिजी हुई थी इस वजह से थोड़ा मुश्किल था इसमें हल चलाना। और उससे आगे वाले दोनों खेत माशाल्लाह ओके हो चुके हैं। फिर इसके बाद इसमें इंशाल्लाह लगाएंगे अल्लाह की फजल से। मौसम आज काफ़ी हद तक क्लियर है माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल मौसम साफ इसकी सुथरा। थोड़ी सी मरम्मत होने वाली है इस बनने की, इस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाते हैं इस कई के साथ, तो बस काम शुरू होने लगा है सुबह सुबह। फाइनली आज जो पनीरी वाला खेत था उसका भी खेत जो है पनीरी के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें पहले पनीरी काश्त की हुई थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है और इसमें मुंजी लगाने लगे हैं। अब ये देखिए माशाल्लाह डेरा माशाल्लाह जी जो बनने हैं इस पे मिट्टी लगा दी गई है और माशाल्लाह खेत तकरीबन तैयार होने वाला है अब इसके। तो ये देखें खुश्क चारा जिसको तूड़ी बोलते हैं वो सेव की हुई है खेत के अंदर ही, और चारा काट लिया गया है माशाल्लाह। और ये देखें सुबह सुबह का सीन, गांव का नज़ारा। दोस्तों माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है, ये देखें ट्रैक्टर हल चल रहा है इधर, मतलब जी दोस्तों खेत में इस वक्त हल चल रहा है और खेत माशाल्लाह तैयार होने वाला है। बस ये देखें माशाल्लाह खेत चारा और आगे जो मुंजी है वो पहले से लगी हुई है। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जामुन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पक चुकी हैं और माशाल्लाह क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी क्या बात है। तो ये ना माशाल्लाह इसमें पहला फल पहले आया था ना पिछले साल तो बहुत थोड़ा था, इस दफा माशाल्लाह बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी पक चुकी हैं और अब ये आप बहुत ज़्यादा अवर हो रही हैं माशाल्लाह दोस्तों से, ये देखें जी पक्की हुई हैं सारी की सारी। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो खेत है ना वो तैयार हो चुका है माशाल्लाह जी। ये देखें
अभी बस लास्ट चक्कर है ट्रैक्टर का। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो पनीरी हमने लगा दी है ओके हो चुकी है माशाल्लाह। इस खेत में भी, इससे आगे वाला खेत और उससे आगे वाला खेत, तीनों ओके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी मौसम जो है ना बड़ा हसीन है माशाल्लाह। ये देखें बादल और ये देखें माशाल्लाह जो पनीरी है चावल की ओके हो चुकी है। अब इस चारे को काटने के बाद इधर भी लगाएंगे इंशाल्लाह। ये चावल की फसल में पहली जो खाद है ना, इसके साथ जिंक सल्फर और खाद को मिला के मिक्स करने के बाद अब इसको डाला जाएगा खेत में, और ये पहली खाद है। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह अज़ीम फिर दोबारा इसके अंदर जो स्प्रे खाद वगैरह दोबारा जो है ना वो डाली जाएंगी। तो आज इस खाद को इस खेत में बिखेरा जाएगा। रास्ता देखिएगा सबसे पहले तो, देखिए माशाल्लाह आजकल हर तरफ जो है वो मुंजी की पनीरी लगाई जा रही है और ट्रैक्टर चल रहे हैं खेतों में। और जो काम था वो आज मैंने रास्ता उससे चूज़ किया और इस रास्ते से मैं उसका माता हूँ फिर रास्ता खाना। ये देखिए दोस्तों आज मैंने दूसरा रास्ता चूज़ किया जाने के लिए, इस रास्ते से बहुत कम आता हूँ मैं। ये देखिए सिर्फ नहर है और नहर के साथ जो रास्ता है ना असल में ज़्यादा टूटा हुआ है, तो फिर मोस्टली इस रास्ते को तो मैं कम यूज़ करता हूँ। पहले इसी रास्ते से जाया करता था पहले शहर, तो अब दूसरा रास्ता है, पानी माशाल्लाह फुल होकर जा रहा है। तो आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। और कल तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, हमारे इलाके में तो नहीं हुई, दूसरे इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ये देखिए हमारा जो गांव की तरफ जाने वाला रास्ता है, एक तरफ नहर है दूसरी तरफ खेत खलियान है, और ये देखें एक पोल्ट्री फार्म है। जी हाँ दोस्तों ये देखें दोपहर के टाइम बहुत कम रास्ता चलता है, ये चूँकि रास्ते में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। अच्छा कभी आप भी बम्बा वाला से गुजरें तो यहाँ की कुल्फ़ी को ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। और स्पेशल खोया लगा के और देखिएगा, ले जी आप इंजॉय करें, मैं भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आपका।